हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट में ईमेल्स को लेके अक्सर एक इशू आ जाता है कि वेबसाइट जो है ईमेल सेंड करना बंद कर देती है। अगर कोई यूज़र न्यू रजिस्ट्रेशन करता है या अगर आपका पासवर्ड लॉस्ट हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग वेबसाइट कोई भी ईमेल यूज़र को सेंड ही नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इसी का सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को पूरे तरीके से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सजेशन मेरा आपको ये है कि आप एक जीमेल में फ्रेश अकाउंट बनाइए। अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आपको ये लिंक ओपन करना है, console.developers.google.com। ठीक है, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, लॉगिन होने के बाद इस तरीके की विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बना के आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और एज इट इज़ आपको पूरा प्रैक्टिकल फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यस और यस, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे जीमेल एपीआई के ऊपर, इसे करेंगे इनेबल। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, तो लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट का आपको नेम देना है, आप कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। इसको आपको करना है क्रिएट। अब इसको करेंगे इनेबल। अब दोस्तों, आपको क्लिक करना है क्रिएट क्रीडेंशियल्स के ऊपर, चूज करना है आपको जीमेल एपीआई। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको चूज करना है वेब ब्राउजर जावास्क्रिप्ट, यूजर डाटा। क्लिक करेंगे व्हाट क्रीडेंशियल्स डू आई नीड, यहां पर आपको नेम देना है, यहां पर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। अब दोस्तों, आ जाएंगे सीधे डैशबोर्ड में, यहां पे जाएंगे प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन, सर्च करेंगे एसएमटीपी। फर्स्ट प्लगइन दोस्तों आपको इंस्टॉल करनी है, एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद दोस्तों ये आएगा डब्ल्यूपी मेल एसएमटीपी, इसकी सेटिंग्स में हमें जाना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ईमेल ऐड कर देंगे, जो भी आपने न्यू मेल क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नेम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है, इसको मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। यहाँ दोस्तों चूज करना है आपको जीमेल। रिटर्न पाथ के ऊपर आपको क्लिक करना है, ये ऑप्शन आपको चूज करना है। अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन है ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल, इसको आपको कॉपी करना है। ये वाला जो यूआरएल है ये हमें यहाँ कॉपी करना है, हम कर चुके हैं, ऑथेंटिकेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो ईमेल है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, जो भी आपने ऐड किया है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नेम देना है, तो नेम दे देते हैं मैं, जो मेरी वेबसाइट का नेम है वही रखूँगा। कंटिन्यू, देखिए कंटिन्यू करने के बाद आएगा क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी आपको कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ये क्लाइंट आईडी का, यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी पेस्ट करनी है इस तरीके से। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो है क्लाइंट सीक्रेट, तो दोस्तों ये कैसे मिलेगा, वापस आएंगे, इसको करेंगे डन। डन करने के बाद क्लिक करेंगे एडिट के ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी, दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम क्लाइंट सीक्रेट जो है वो कॉपी कर लेंगे, कॉपी, इसको करेंगे पेस्ट, सेव सेटिंग। ठीक है दोस्तों, सेटिंग सेव हो गई। अब दोस्तों प्लगइन को जो है ऑथराइज करेंगे, तो क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर। तो दोस्तों यहां पे हमें सेम जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है, जिसको अभी अभी हमने सिंक्रोनाइज किया है अपनी वेबसाइट से। नेक्स्ट, देखिए जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपको वार्निंग आएगी। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं, ये प्लगइन मैंने अभी अभी टेस्ट की है, तो प्लगइन प्रॉपरली काम कर रही है। एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आ रहा होगा आपकी वेबसाइट का यूआरएल, go to a1quality.ml, इस तरीके से आपकी यूआरएल का लिंक आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। भले ही अनसेफ आ रहा है लेकिन आप क्लिक करिएगा। ठीक है, इसको अलाउ करना है। तो दोस्तों अब हमने अपने जीमेल अकाउंट को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से सिंक्रोनाइज कर दिया, यानी कि इससे जोड़ दिया है। अभी क्या होगा, जितने भी मेल्स होंगे वो हमारी जीमेल वाली आईडी से जाएंगे, जीमेल वाले अकाउंट से जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डालूँगा अपनी ईमेल आईडी, रीसेट पासवर्ड।
तो दोस्तों यहाँ पे मैसेज आ गया, पासवर्ड रीसेट, ईमेल हैज बीन सेंड। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और पासवर्ड रीसेट का यहाँ पे तुरंत ही जो है वो मेल आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे जीमेल अकाउंट को सिंक्रोनाइज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो मेल जो है वो तुरंत जाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जो भी विजिटर होगा उसको मेल तुरंत जाएंगे। इसके अलावा मेल्स जो हैं वो स्पैम में नहीं जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि वर्डप्रेस वेबसाइट से जो मेल जाते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं, लेकिन ये आप जीमेल के थ्रू भेज रहे हैं तो ये मेल्स जो हैं स्पैम में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप ईमेल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।